नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता सिविल पद पर चयनित हुए 108 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में नव चयनित अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि चयन प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अपनाया जाएगा, जिसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से अभियंताओं का चयन हुआ है। साथ ही तीन और भी प्रदेश से अभ्यर्थियों का चयन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हुआ है। मंत्री बृजेश सिंह ने नवचयनित अभियंताओं से कहा कि आने वाले समय में आपको जिलों में तैनाती मिलेगी और आप पूरी ईमानदारी से काम करना, क्योंकि आप सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग में सेवा देने जा रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री बृजेश कुमार, प्रमुख सचिव अजय चौहान, ईएनसी संजीव भारद्वाज समेत अन्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आपने देखा होगा कि लोक निर्माण विभाग सिविल इंजीनियर्स की यानी अवर अभियंताओं की जो है चयन प्रक्रिया हुई, उनको आज जो है प्रमाण पत्र भी दिया गया, यानी नियुक्ति पत्र वितरित हुआ। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह के द्वारा इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। हमारे साथ कुछ अवर अभियंता हैं जो अभी नव चयनित हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आपको जो आज ये नियुक्ति पत्र मिला है किस पद के लिए मिला है। 2018 अवर अभियंता। तो क्या लगता है कितनी पढ़ाई के बाद, कितना मेहनत के बाद आपको इस स्थान तक पहुंचने का? पढ़ाई मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद जरूर मिला है। 2018 की वैकेंसी 2024 में जाके पूरी हुई है, बस यही कहना चाहती हूँ। और भी अवर अभियंता हैं यहाँ पर, मैम आप लोग भी यहाँ पे आ जाइए। आप लोग भी यहाँ पे अवर अभियंता के पद पे आपको नियुक्ति मिली है, कैसा लग रहा है और किस जनपद से आप आए हैं? मैं खुशबू हूँ और मैं गाजियाबाद से आई हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है, बहुत अच्छी खुशी है पूरे परिवार के लिए। तो नहीं, कितना समय आपको इस तैयारी करने में, आपने कितने समय से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कितनी मेहनत करनी पड़ी जिसके बाद आज आपको ये सफलता मिली? मेहनत तो आखिरी तक करनी होती है, मैं धैर्य तो रखना होता। देखिए, लोक निर्माण विभाग सिविल इंजीनियर यानी अवर अभियंताओं के लिए जो नौ चयनित अभियंता हैं, 108 अवर अभियंता, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। और वो नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह के द्वारा किया गया है। वो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से नियुक्ति पत्र और किन को वितरित किया गया। हमारे साथ लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं बृजेश सिंह जी, आपने नियुक्ति पत्र वितरण किया है, कितने यहाँ पर सिविल अभियंता? देखिए, प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में 12 विभागों के 1334 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए थे। वहाँ पर उन्होंने सिंबॉलिक किया था, तो जो शेष बचे हुए लोग थे उनको मैंने अपने विभाग के विश्वेश्वरीय हॉल में किया है। हमारे विभाग के लगभग 108 टोटल हमारे अवर अभियंता चयनित हुए हैं, उनमें से अधिकतर को हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किया है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मार्गदर्शन में इस नियुक्ति प्रक्रिया का चयन जिन अभ्यर्थियों का हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब ये प्रदेश 5 जनपदों के अंदर से आने वाले नौजवानों या उनके लोगों को ही नौकरी मिलने वाला प्रदेश नहीं है, प्रदेश के 75 जनपदों में से अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर जो लोग चयनित होकर आते हैं उनको प्रदेश की सरकार सम्मान करती है। प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में 12 विभागों के 1334 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए थे। वहाँ पर उन्होंने सिंबॉलिक किया था, तो जो शेष बचे हुए लोग थे उनको मैंने अपने विभाग के विश्वेश्वरीय हॉल में किया है। हमारे विभाग के लगभग 108 टोटल हमारे अवर अभियंता चयनित हुए हैं, उनमें से अधिकतर को हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किया है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मार्गदर्शन में इस नियुक्ति प्रक्रिया का चयन जिन अभ्यर्थियों का हुआ है उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और अब ये प्रदेश 5 जनपदों के अंदर से आने वाले नौजवानों या उनके लोगों को ही नौकरी मिलने वाला प्रदेश नहीं है, प्रदेश के 75 जनपदों में से अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर जो लोग चयनित होकर आते हैं उनको प्रदेश की सरकार सम्मान करती है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेश सिंह।
और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के साथ चयन प्रक्रिया को करवा रही है। ऐसे में आज 108 अवर अभियंताओं को तैनाती यानी अब मिल जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो चयनित अवर अभियंता है उनको किस जनपद में उनको कार्यभार मिलता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो सभी जनपदों से और 3 प्रदेश से इन अवर अभियंताओं का चयन हुआ है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किसको कहां पर इनको तैनाती जाती है और किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।